गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट पार्ट में हमारा टॉपिक चल रहा था आम्ल मराठा संघर्ष, और इस संघर्ष में हमने प्रथम आम्ल मराठा युद्ध पढ़ लिया था। उस आम्ल मराठा युद्ध के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण समझौता हुआ था जिसे बड़गांव समझौते के नाम से जाना जाता है, और उसमें मैंने आपको बताया था वो अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को एक बहुत बड़ा आघात था। स्वयं वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसके बारे में कहा था कि जब जब मैं इस समझौते की शर्तों को पढ़ता हूँ तो लज्जा से मेरा सर झुक जाता है, और इसीलिए उसने कोपम और गोडार्ड के नेतृत्व में मराठों के विरुद्ध सेनाएं भेजी थी। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, सिपरी नामक स्थान पर महादजी सिंधिया भी परास्त हो गया था और उसने अंग्रेजों से संधि कर ली थी, और भविष्य में पेशवा के साथ संधि कराने के लिए गारंटी देने का आश्वासन भी उसके द्वारा दिया गया था। फिर इसके बाद आप देखिए दूसरी ओर जो दूसरा अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था गार्डर, वो गुजरात में निरंतर संघर्ष कर रहा था। लेकिन इसी समय आप देखिएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय के द्वारा हैदर अली को कर्नाटक पर आक्रमण के लिए कहा गया था, और इस आक्रमण से अंग्रेजों की स्थिति जो है वो खराब होने लगी थी। अंग्रेज निरंतर परास्त हो गए थे। तो आप देखिए इस समय गवर्नर जनरल के द्वारा एंडरसन को पेशवा से बातचीत करने के लिए पुनः भेजा गया था, और यदि हम इस वार्ता जो पेशवा और एंडरसन के बीच जो वार्ता हुई और जो पत्र वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा लिखा गया था, यदि हम उसको उसकी वार्ता उस पत्र को देखें तो स्पष्ट होता है कि इस समय वह स्वयं मराठों से संधि करने के लिए काफी व्यग्र हो रहा था, और इसी का परिणाम था दोनों के बीच अंग्रेजों और मराठों के बीच साल भाई की संधि संपन्न हुई। हेडिंग डालेगा साल भाई की संधि 17 मई 1782। अब देखिए ये जो संधि हुई थी सालबाई की संधि, ये काफी महत्वपूर्ण है। बड़गांव समझौते से ज्यादा महत्व इसका है, क्योंकि जहां बड़गांव समझौते में अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा था, वहां इस संधि से उन्होंने काफी कुछ प्राप्त किया था। तो इसमें आप देखिएगा सर्वप्रथम इस संधि की शर्तों में हम देखते हैं राघोबा, जो अंग्रेजों और मराठों के बीच संघर्ष का कारण बना हुआ था, उस राघोबा का साथ छोड़ने का आश्वासन अंग्रेजों ने पेशवा को दिया। इसके अलावा पेशवा के द्वारा भी राघोबा को 25,000 रूपए मासिक पेंशन देना स्वीकार कर लिया गया था। दूसरी शर्त के रूप में आप देखिएगा जो सालसेट और भड़ौच का क्षेत्र था, सिर्फ उन दो प्रदेशों को छोड़ करके बाकी जो भी क्षेत्र युद्ध के दौरान अंग्रेजों के द्वारा विजित किए गए थे वो उन्होंने लौटाने का आश्वासन दिया था। इस तरह से अभी तक हम देखें जो संधि की शर्तें थी वो दोनों के बीच समानता के आधार पर चल रही थी। फिर आप देखिए इस संधि में ये भी स्वीकृति दी गई थी कि अगले 6 महीने के अंदर हैदर अली ने जिन भी क्षेत्रों को विजित किया है वो उन्हें लौटा देगा, और इस निश्चित अवधि में यदि वो अपनी शर्त को मान लेता है, शर्त को स्वीकार कर लेता है, तो भविष्य में अंग्रेज कभी भी उसके विरुद्ध युद्ध नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, गायकवाड़ आदि के साथ हैदर अली युद्ध में कभी सम्मिलित नहीं होगा। तो ये जो शर्तें थी वो निश्चित रूप से समानता के आधार पर थी। दोनों पक्ष जो थे वो इस समय शांति चाहते थे, और अंततः ये संधि जो थी वो संपन्न हुई। अब इसमें आप देखिएगा संधि का महत्व कई बार पूछा जाता है, तो आपको इस संधि के महत्व के रूप में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो आप देखिए। पहली बार ऐसा हुआ कि 20 वर्षों के लिए जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो इस संधि से अगले 20 वर्ष तक मराठों और अंग्रेजों के बीच कोई संघर्ष नहीं हुआ, ऐसा प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ ने कहा है, और इस महत्व को इस संधि के महत्व को उन्होंने इंगित किया है, और सही भी है। काफी लंबा समय था 20 वर्ष का, और इस दौरान मराठे जो थे जब ये संधि हो गई तो वो इस दौरान अपने अन्य शत्रुओं से निपटने में लगे हुए थे। वहीं दूसरी ओर आप देखेगा अंग्रेज जो थे वो भी अपनी शक्ति को संगठित कर रहे थे, और इस संधि से
उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को काफी हद तक उन्हें एक बार प्राप्त कर लिया था, जिस प्रतिष्ठा को उन्होंने बड़गांव समझौते में खो दिया था। तो इस तरह से दोनों पक्षों के बीच 20 वर्षों की ये संधि बनी रही। इसके बाद आप देखेगा वेलेजरी, जब वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल पूरा हो गया तो वेलेजरी भारत में गवर्नर जनरल बनकर के आया। हम लोगों ने बात की थी 1784 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक्ट पारित किया गया था, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। और ये एक्ट जब पारित हुआ था तो इसकी धाराओं में मुख्य रूप से बात कही गई थी कि कंपनी सरकार देशी भारतीय देशी राज्यों के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो जब हेस्टिंग्स गया उसके बाद कॉर्नवालिस, जॉन शोर जो भी गवर्नर जनरल आए उन्होंने इस नीति का अक्षरशः पालन करा और उन्होंने भारतीय राज्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन इसके बाद जब लॉर्ड वेलेजरी भारत आया गवर्नर जनरल बनकर के, तो वह एक महत्वाकांक्षी गवर्नर जनरल था और वो किसी भी सूरत में भारत में कंपनी सरकार या अंग्रेजों की सर्वोच्च सत्ता को स्थापित करना चाहता था। तो अभी तक उसके पूर्व के गवर्नर जनरलों के द्वारा जिस हस्तक्षेप की नीति को अपनाया जा रहा था उसने उस नीति का पूरी तरह से त्याग कर दिया था। और यही कारण है उन्हें एक बार अंग्रेजों और मराठों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। वेलेजरी 1798 ईस्वी में जॉन शोर के जाने के बाद गवर्नर जनरल बनकर आया। आप देखिए ये स्थिति तो हो गई अंग्रेजों की कि वेलेजरी जैसा महत्वाकांक्षी गवर्नर जनरल आया। अब मराठों की तरफ से इस युद्ध को पुनः जारी रखने के कारण क्या थे? इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था पेशवा माधवराव द्वितीय की मृत्यु हो गई, जो एक योग्य पेशवा था और उसने मराठा सरदारों की जो महत्वाकांक्षाएं थी उन पर काफी हद तक अंकुश बना करके रखा था, उसकी मृत्यु हो गई। तो कुछ समय पश्चात ही मार्च 1803 ईस्वी में जो नाना फडणवीस थे वो भी मृत्यु को प्राप्त हुए। अब देखिए पेशवाओं में कोई भी ऐसा मजबूत नेतृत्व करता नहीं था जो इन मराठा सरदारों की जो महत्वाकांक्षाएं थी, जो निजी स्वार्थ थे उन पर अंकुश लगाने में समर्थ हो सके। और इस स्थिति का लाभ पूरी तरह से मराठा सरदारों के द्वारा उठाया गया। अब स्वाभाविक है कि जब नेतृत्व करता नहीं होगा तो मराठा सरदारों की महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित करना संभव नहीं हो पा रहा था। इसी दशा में आप देखेगा जो प्रमुख मराठा सरदार थे, जब माधवराव द्वितीय की मृत्यु हुई तो पेशवा बाजीराव द्वितीय जो थे उनको पेशवा पद पर नियुक्त किया गया। लेकिन जो योग्यताएं माधवराव द्वितीय में थी बाजीराव द्वितीय में उन योग्यताओं का सर्वथा अभाव था। यही कारण है कि सिंधिया, होलकर, भोंसले जो प्रमुख मराठा सरदार थे वो आपस में संघर्ष करने लगे। स्पेशली आप देखेगा सिंधिया और होलकर जो थे उनमें प्रतिस्पर्धा सर्वाधिक थी। इसका कारण क्या था कि इस समय ये मराठा सरदार जो थे वो पेशवा पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में लगे हुए थे और ये चाहते थे कि पेशवा उन्हीं के प्रभाव में रहे। तो ये स्थिति जो थी उनके संघर्ष का कारण बनी। दूसरी ओर आप देखेगा पेशवा बाजीराव द्वितीय जो था वो निहायत ही अयोग्य था, वो स्वयं किसी शक्तिशाली मराठा सरदार का संरक्षण प्राप्त करना चाहता था तो वो सिंधिया के संरक्षण में चला गया। इतना ही नहीं उसने होलकर के भाई बिट्टू जी की हत्या भी करवा दी। जब होलकर को इसकी सूचना मिली तो अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए वो भी व्यग्र हो उठा और दोनों पक्षों के बीच प्रतिस्पर्धा बनी रही। अब आप देखिए ये जो मराठों की आपसी फूट थी कहीं ना कहीं यही अंग्रेजों के लिए स्वर्ण अवसर था। और दूसरी ओर महत्वपूर्ण कारण जैसा मैं आपको बता रही हूँ, वेलेजरी एक महत्वाकांक्षी गवर्नर जनरल था और बहुत चतुर, चालाक और एक अच्छा कूटनीतिक
गिर निकला। तो वो ये चाहता था कि किसी तरह से ये जो अवसर है वो हाथ से नहीं जाए और अंग्रेज मराठा शक्ति को समाप्त करने में सफल हो सके। तो इसीलिए जैसे जैसे परिस्थितियां उसके फेवर में होती गई उतनी ही तैयारियां मराठों के विरुद्ध बैलजली जो है उसकी बढ़ती चली गई और उसने तुरंत युद्ध की तैयारियां करना प्रारंभ कर दिया। आप देखिए जब सिंधिया के संरक्षण में पेशवा गया तो वहां भी उसको वह अपने आप को पूर्ण सुरक्षित महसूस नहीं करने लगा क्योंकि होलकर द्वारा पूना पर भी आक्रमण करके उसको अधिकृत कर लिया गया था और सिंधिया और पेशवा के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए थे। तो ऐसी स्थिति में अब स्वयं पेशवा ने अंग्रेजों के संरक्षण में जाना स्वीकार किया और उसने अंग्रेजों के से संपर्क साधा और अंत में दोनों के बीच संधि हुई और ये संधि जो है वो अंग्रेजों की प्रतिष्ठा के दृष्टि से यदि हम देखें तो अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें आप लिखिएगा वसीम की संधि। वसीम की संधि 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच संपन्न हुई। यदि हम इसकी धाराओं को देखें तो ये इससे स्पष्ट हो जाता है कि निश्चित रूप से पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किस तरह से मराठों के मान अपमान को पूरी तरह मान मर्यादा को उनकी प्रतिष्ठा को पूरी तरह से दांव पर लगा दिया था। इसकी संधि की शर्तों में सर्वप्रथम आप देखिएगा पेशवा द्वारा यह स्वीकार किया गया कि 6,000 अंग्रेजी सैनिक उसकी सुरक्षा के हेतु सदैव पूना दरबार में रखे जाएंगे और इस सेना के खर्च के रूप में लगभग 26 लाख रुपए वार्षिक आय का भूभाग पेशवा ने अंग्रेजों को देना स्वीकार कर लिया। अब देखिए आप यदि हम इस संधि की शर्त की व्याख्या करें थोड़ी तो आप थोड़ा पास्ट में जाएंगे तो आपको ध्यान आएगा हम लोगों ने जब राजस्थान में उत्तराधिकार के संघर्ष थे इन फर्स्ट ईयर क्लास और राजस्थान हिस्ट्री जो हमारा सेकंड पार्ट था उसमें हमने पढ़ा था। आप उदाहरण ले सकते हैं जैसे बूंदी में बुद्ध सिंह और दयाल सिंह एंड जयपुर में आपके ईश्वरी सिंह और माधव सिंह उन उत्तराधिकारों के संघर्ष में ये मराठा सरदार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे और एक बड़ी धनराशि लेकर के उस उत्तराधिकार के संघर्ष में एक निश्चित निर्णय ये करवाते थे और इस तरह से आप देखिएगा उस राज्य की सुरक्षा की गारंटी भी ये दिया करते थे। तो जो मराठे अभी तक मुगल बादशाह राजपूत राज्यों को सुरक्षा दिया करते थे आज स्थिति ये आ गई थी कि मराठे स्वयं अंग्रेजों की सुरक्षा प्राप्त कर रहे थे। तो हम जहां मराठे इतने वीर साहसी और सहायता देने वाले थे वहीं मराठे आज डिपेंड हो रहे थे जबकि ऐसा नहीं था कि मराठा शक्ति में कोई कमी आई थी लेकिन पेशवा बाजीराव द्वितीय स्वयं अपने आप को संभालने में समर्थ नहीं था और उसकी यही अयोग्यता के कारण उसने इस संधि को स्वीकार किया था। फिर आप देखिएगा इसके अलावा सेना रखने के अलावा बिना किस अंग्रेजों की अनुमति के पेशवा किसी भी अन्य राज्य के साथ संधि युद्ध या पत्र व्यवहार नहीं कर सकता था। दूसरे शब्दों में इसे हम कहें कि पेशवा एक कठपुतली मात्र बनकर के रह गया था अंग्रेजों के हाथ की जो उनकी अनुमति के बिना कुछ भी करने में सक्षम नहीं था। इसके साथ साथ आप देखिएगा पेशवा ने सूरत जो कि मराठों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता था यदि आपको याद हो शिवाजी जब हमने पढ़ा था तो छत्रपति शिवाजी के समय में भी सूरत को दो बार लूटा गया था उससे जो धन एकत्रित हुआ था उससे राज्य की आर्थिक व्यवस्था सुधरी थी क्योंकि शिवाजी के राज्याभिषेक में काफी धन खर्च किया गया था और उसकी पूर्ति सूरत की लूट से ही की गई थी। तो सूरत एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था लेकिन इस सूरत पर से भी पेशवा ने अपना अधिकार त्याग दिया था। इसके साथ साथ अंग्रेजों ने यह भी कहा कि निजाम और गायकवाड़ के साथ पेशवा के जो भी वाद विवाद थे उन वाद विवादों में कंपनी ही पंच निपटारे का काम करेगी। निश्चित रूप से
ये भी मराठा प्रतिष्ठा के लिए एक बहुत ही अपमानजनक शर्त रखी गई थी। इसके अलावा आप देखिएगा भविष्य में यदि कोई भी राज्य के साथ संघर्ष होता है तो उसमें अंग्रेज सैनिक सहायता भी देंगे, लेकिन बिना अनुमति के पेशवा किसी से युद्ध या संधि नहीं कर सकता था। तो ये जो वसीम की शर्तें थी, ये शर्तें निश्चित रूप से अंग्रेजों के पक्ष में और पेशवा या मराठों की प्रतिष्ठा के विरुद्ध इस संधि की शर्तें रखी गई थी। अब देखिए इस संधि का यदि महत्व हम देखें तो ये संधि का महत्व पूरी तरह से अंग्रेजों की प्रतिष्ठा में वृद्धि, भारत में उनकी सर्वोच्च सत्ता को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुई थी, क्योंकि एक बड़ा भूभाग और मराठों पर उनका संरक्षण उन्हें प्राप्त हो चुका था। एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति जो दक्षिण में उनके विस्तार के लिए उनकी विरोधी हो रही थी, उनके लिए बाधा उपस्थित कर रही थी, वही शक्ति अब उनके सामने नतमस्तक हो चुकी थी। तो इस दृष्टि से हम देखें अंग्रेजों के प्रभाव में वृद्धि हुई इस संधि के द्वारा और मराठों की प्रतिष्ठा को इस संधि से पूरी तरह से आघात पहुंचा था। अब आप देखिए इसके बाद शुरुआत होती है द्वितीय आर्मी मराठा युद्ध की। अब ये युद्ध क्योंकि जिस तरह से परिस्थितियां बन चुकी थी, आप देखिए जब वसीम की संधि हुई तो वही मराठा सरदार जो पेशवा पर अपना प्रभाव बढ़ाने में लगे थे और स्वयं अपनी महत्वाकांक्षाओं और निजी स्वार्थों को पूरा करने में लगे हुए थे, इस संधि से जब मराठा प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा तो उन मराठा सरदारों ने सिंधिया दौलतराव सिंधिया और मल्हार राव होलकर, ये सारे जो थे आप देखिएगा स्पेशली आप इसमें हम देखें तो सिंधिया और भोसले जो थे उन्होंने पूरी तरह से आपसी वैमनस्यता को भुला दिया था, अपने मतभेदों को भूल करके उन्होंने एकता स्थापित कर ली थी। लेकिन होलकर चूंकि अभी भी वो मराठों से अपनी पुरानी शत्रुता को नहीं भूला था, उसके भाई की जो हत्या की गई थी उसको वो नहीं भूला था, तो वो इस मराठा संघ में सम्मिलित नहीं हुआ। दूसरी बात हम देखें गायकवाड़ जो था वो भी इस मराठा संघ में सम्मिलित नहीं हुआ, क्योंकि वो अंग्रेजों का मित्र था और इसी वजह से उसने मराठों को अपना सपोर्ट प्रदान नहीं किया। दूसरी ओर यदि हम देखें इस समय में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि बैले गरीबी इस परिस्थिति में युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार था और 7 अगस्त 1803 को उसने मराठों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। 7 अगस्त 1803 द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष की घोषणा गवर्नर जनरल बैले जली द्वारा की गई और इस अभियान के लिए उसने अपने भाई आर्थर बैले जली और जनरल लेक अपने भाई आर्थर बैले जली और जनरल लेक को मराठों के विरुद्ध भेजा। अब देखिए दोनों ही जो थे आर्थर बैले जली और जनरल लेक वो एक बहुत ही सुयोग्य नेतृत्व करता थे और बड़ी शीघ्रता से आप देखिएगा अजंता एलोरा के पास एक स्थान है असाई, असाई नामक स्थान पर उसने सिंधिया और भोसले की जो संयुक्त सेना थी उस संयुक्त सेना को उसने परास्त कर दिया था। उस समय बाद आप देखिएगा 17 दिसंबर 1803 को सिंधिया के द्वारा संधि कर ली गई, क्योंकि जब निरंतर पराजय मिलने लगी और ये संयुक्त सेना अंग्रेजी सेना का सामना करने में सफल नहीं हो सकी तो सिंधिया द्वारा 1803 में ये संधि कर ली गई जिसका नाम था देवगढ़ की संधि। देखिएगा 17 दिसंबर 1803 को सिंधिया और अंग्रेजों के बीच देवगढ़ की संधि संपन्न हुई और इस संधि के द्वारा बैले जली, आप जानते हैं भारत में जो सहायक संधि की प्रथा थी उसको शुरुआत करने वाला लॉर्ड बैले जली था और बैले जली की सहायक संधि को सिंधिया ने स्वीकार कर लिया था सिर्फ एक शर्त के। सिंधिया द्वारा इस बात को स्वीकार नहीं किया गया था कि एक अंग्रेजी सेना वो अपने राज्य में रखे, तो इस समय बैले जली ने इस शर्त को इतनी अधिक महत्ता भी नहीं दी और दोनों के बीच ये संधि संपन्न हो गई। इसके बाद आप देखिएगा ये जो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे कटक से वर्धा तक का ये सब इस संधि से प्राप्त हुआ और एक महत्वपूर्ण
मराठा सरदार वो अंग्रेजों के संरक्षण में चला गया। इसके बाद आप देखिए युद्ध निरंतर चलता रहा। जनरल ले के द्वारा विजय अभियान जो था वो निरंतर जारी रखा गया और इस तरह से बाद में आप देखिएगा 30 दिसंबर 1830 को सुरजी अंजन गांव की संधि संपन्न हुई। सुरजी अंजन गांव की संधि, और ये संधि जो है वो काफी महत्वपूर्ण थी क्योंकि इस संधि से एक बड़ा भूभाग, इसको आप लिख भी सकते हैं, इसमें आप देखिएगा सिंधिया ने दिल्ली आगरा गंगा यमुना का महत्वपूर्ण जो द्वार का उपजाऊ क्षेत्र है आप सभी जानते हैं ये क्षेत्र जयपुर जोधपुर अहमदनगर का दुर्ग और गुजरात के कुछ जिले जो थे वो अंग्रेजों को सौंप दिए थे। तो एक बहुत बड़ा भाग इससे अंग्रेजों के अधिकार में चला गया था। अब देखिए जहां सिंधिया और भोसले जो थे वो अंग्रेजों के समक्ष हथियार डाल चुके थे या घुटने टेक चुके थे, वहीं दूसरी ओर आप देखिएगा होलकर जो था वो युद्ध में सम्मिलित हुआ और होलकर ने अंग्रेजों के विरुद्ध जब सिंधिया और भोसले का आत्मसमर्पण हो गया तो उसने युद्ध की शुरुआत की। उसने आगरा भरतपुर आदि क्षेत्रों पर आक्रमण किए और इस समय भरतपुर के शासक के द्वारा अंग्रेजों के संरक्षण को त्याग कर जो होलकर था उसको सहयोग दिया गया और इसका खामियाजा उसे बाद में भुगतना पड़ा। जब होलकर हार करके पंजाब की ओर भाग गया तब अंग्रेजों ने भरतपुर के शासक को उसका साथ देने के लिए दंड भी दिया था। तो इस तरह से आप देखिए जो होलकर और अंग्रेज का पूरी तरह से होलकर की शक्ति को समाप्त नहीं कर सके थे और होलकर अंग्रेजों से बच करके पंजाब की ओर चला गया था। तो द्वितीय जो आंग्ल मराठा संघर्ष है वो यहीं समाप्त हो जाता है। इसके बाद आप लिखिएगा तृतीय आंग्ल मराठा संघर्ष। वेली दिल्ली की वापसी के बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल के रूप में भारत आए और उस समय में जो स्थितियां थी एक बार युद्ध विराम के बाद पुनः दोनों के बीच युद्ध की स्थितियां उत्पन्न हो गई और इसके लिए आप देखिएगा पेशवा सबसे प्रमुख कारण क्या था। पेशवा बाजीराव और मराठा सरदार सिंधिया भोसले आदि जो अंग्रेजों से संधि कर चुके थे अब वो उन्हें स्वयं को पूरी तरह से अंग्रेजों के संरक्षण से मुक्त करना चाहते थे और यही कारण है कि उन्होंने अंग्रेजों के संरक्षण को त्याग करने के उद्देश्य से उन्हें एकजुटता स्थापित करना प्रारंभ किया। पेशवा बाजीराव द्वितीय जो था वो भी स्वयं को एक स्वतंत्र पेशवा के रूप में स्थापित करना चाहता था। दूसरी ओर अंग्रेज दिन पर दिन नई मांगे उसके सामने उपस्थित कर रहे थे तो इन सभी बातों से बचने के लिए पेशवा बाजीराव द्वितीय द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध गुट तैयार करने की तैयारी की गई। इसके लिए आप देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण जो बात है पेशवा ने सिंधिया होलकर आदि से बातचीत करना प्रारंभ कर दिया कि अंग्रेजों के विरुद्ध समग्र रूप से मराठों का एक संगठन तैयार हो। जब अंग्रेजों की को इसकी खबर मिली तो उन्होंने भी पेशवा के विरुद्ध या दूसरे शब्दों में मराठों के विरुद्ध पुनः एक बार युद्ध की तैयारियां करना प्रारंभ कर दिया था। तो आज इस महत्वपूर्ण उसमें आप देखिएगा ये जो संघर्ष का कारण था उस संघर्ष के कारण के लिए पुनः एक बार पेशवा बाजीराव द्वितीय की अयोग्यता कहीं न कहीं हमें स्पष्ट झलकती है। यदि पेशवा बाजीराव द्वितीय के द्वारा प्रारंभ में ही अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार करने के स्थान पर उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाता अंग्रेजों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाता तो अंग्रेज मराठों पर कभी भी इतनी हावी नहीं हो पाते। तो ये दशाएं सारी उन्हें एक बार तृतीय आंग्ल मराठा संघर्ष के लिए उत्तरदायी थी और अंततः आप देखिएगा इस तृतीय आंग्ल मराठा संघर्ष में भी अंग्रेजों ने मराठों को पूर्णतः परास्त कर दिया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मराठा सरदार जो है वो इतने
शक्तिशाली और संगठित होने के बाद भी आखिर कौन से ऐसे कारण थे जिनकी वजह से वो अंग्रेजों के सामने परास्त हुए। अब अगली क्लास में हम स्पेशली आप देखिएगा जो अंग्रेजों के विरुद्ध मराठों की पराजय के कारण है उनको पढ़ेंगे। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।